विकास से कुछ दूर कमासिंग ब्लॉक का एक गांव विकास की पॉल खुलती गांव की गंदी गलियां। आपको बता दें कि एक तरफ देश व प्रदेश की सरकार गांवों के विकास एवं स्वच्छ भारत का सपना देख रही है, हर जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंचे अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए जा रहे हैं, तो वहीं उनके ही अधिकारी कर्मचारी सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए साफ नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक गांव है बांदा जिले के कमासिंग ब्लॉक का अमलखर गांव, जहां जिम्मेदारों की मनमानी और खाओ कमाओ नीति के चलते सरकार के कड़े निर्देशों के बावजूद खुले आम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आइए सुनते हैं ग्रामीणों की जुबानी हकीकत। बांदा से ब्रजेश अवस्थी, संजय। वो सफाई उफाई नहीं करता है और बोलता है कि मुझे प्रधान ने बुलाया है, प्रधान अपना स्कूल में लिखता पड़ता है आके और काम काम नहीं कर पाता, काम वाम नहीं करता है, आता है अपना मारता है बस चला जाता है, काम करता है। कहने पे, कहने पे क्या कहता है, जैसे उससे कहते हैं सफाई, जैसे कहते हैं तो कहता है कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, अपने हिसाब से काम करूंगा। कौन कह रहा है? वही सफाई कर्मी कहता है। क्या नाम है सफाई कर्मी का? नाम नहीं पता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सचिन कुमार शुक्ला है। लोग बाग वहाँ से आते जाते चार दिन बाद जब बारिश हो जाएगी तो निकालना दुर्लभ हो जाए, उसका भी पैसा निकाल चुके हैं। ये यहाँ जो है गंगवा प्रजापति के दरवाजे से लेकर और मेन रोड तक इसका पैसा निकाल लिया गया है, खरिंजा का और पुलिया निर्माण का, जबकि ये जो है बीडीसी द्वारा बनवाया गया है, ये डीडीसी द्वारा रजोल सिंह ने जो है बनवाया है ये पुलिया, यहाँ का कोई निर्माण नहीं हुआ, इसका पैसा भी निकाल लिया गया। तो आपके यहाँ जो पुलिया टूटी पड़ी है, तो पुलिया अभी टूटी पड़ी है कि इसको आपने बनवाया? कौन बनवाया? नहीं, उसको हम लोगों ने अपने पैसे से बनवाया हुआ है ये पुलिया, और बगल में जो है पुलिया टूटी पड़ी, वहाँ से जनता आती जाती है, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जब बारिश हो जाएगी तो। और कोई दिक्कत नहीं, कहता है कि टट्टी घर चाहिए तो 2000 रुपया आपको लगेगा। अब हम 2000 रुपया कहाँ से दे पाएंगे? रुकने में टट्टी घर नहीं बन रहा है, 12000-13000 चल रहा है, उसमें से हम 2000 उसको दे देंगे तो टट्टी घर हम कहाँ से बनवा पाएंगे? शौचालय में प्रधान पैसा मांग रहा है। हाँ, शौचालय बनाने में भी बोल रहा है कि 2000 रुपया लगेगा। यहाँ कॉलोनी जो आई हुई है वो कॉलोनी दूसरे को भी बेच दिया गया है। हमारे नाम की कॉलोनी आई, कटवा के 20-25000 दूसरे से लेके दूसरे के नाम चढ़वा दी गई है, दूसरे को बनवा दी गई है। ये पैसा कौन लेता है? ये पैसा प्रधान लेता है। प्रधान किसको किसको देता है? अब प्रधान किसको देता है हमको मालूम नहीं है, प्रधान पूरा ले लेता है यहाँ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंपी तिवारी है। और प्रधान कहता भी है कि जो है ऐसी बात है तो हम यहाँ तक नहीं, जो तुमको करना हो करिए, हम डीएम वीएम सबको खरीद के बैठे। आपके गांव में क्या 5 साल से कुछ काम नहीं हुआ? क्या काम नहीं हुआ? इतना पैसा है, सब खा खू करके सब पहले हो गया, यहाँ काम धाम कुछ होता नहीं है, यहाँ की जाँच होना अनिवार्य है, नहीं यहाँ के आदमी सब अनशन करेंगे। हम लोकर में कोई काम नहीं हुआ 5 साल से, यहाँ तक कॉलोनी संडास घर, यहाँ कोई भी काम खरिंजा से लेकर के गौशाला से लेकर के कोई काम यहाँ नहीं हुआ, इसलिए यहाँ काम होना चाहिए, नहीं यहाँ के आदमी सब लोग जाके वहाँ डीएम के पास अनशन करेंगे, इस काम को जरूरी है, इसकी जांच होना चाहिए, इसमें कितना यहाँ काम हुआ है कितना नहीं हुआ। क्या काम आपके यहाँ नहीं हुआ? क्या काम आपको लग रहा है कि उसका पैसा निकाल लिया गया? हमारे यहाँ क्या काम? न तो शौचालय बना, न गौशाला बना, न यहाँ कोई नलकी की व्यवस्था है, सफाई कर्मचारी हुआ यहाँ काम नहीं करता, वो प्रधान के बंधन में है, कहते जो प्रधान कहता है वही करता है। खरिंजा नहीं बने, कुआं ना यहाँ कोई खरिंजा है, ना कुआं की सफाई है, क्या काम नहीं हुआ? आके यहाँ जांच करिए, एक एक ना तालाब, यहाँ इतना पैसा तालाबों में खींचा गया, ना तालाब कुछ खुदाई हुई, ना कुछ काम हुआ, तालाबों में लेटरिन रूम बने, यहाँ कोई काम नहीं हुआ, तालाब में और भीतर में लेटरिन रूम बना दिया है। तालाब की सफाई नहीं कराई गई? ना तालाब की सफाई क्या, वहाँ लेटरिन रूम बना दिया गया तालाब में, तालाब में सफाई की क्या बात करते हैं? वहाँ चलो देखो, वहाँ एक नहीं 50 लेटरिन रूम बने हैं। आपके गांव में शौचालय बने हैं? हमारे गांव में शौचालय बने हैं, जो कोई पैसा रुपया दे दिया उसका बने हैं, नहीं गरीब आदमी किसी नहीं बने, मुंह देख करके शौचालय बने। कितना पैसा देना पड़ता है भाई? जो 2000-3000 2000-3000 5000-1000 मांगता था उसे आदमी देता था तब बनवाता था। अच्छा, जिसको पैसा दिया गया है उसी का बना है? उसी का बना है, बाकी शौचालय किसी का बना नहीं है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल किशोर तिवारी। कि भैया आपने इतना पैसा उठाया है, इसमें आप लोग कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, यहाँ काम क्यों नहीं करवाया है? तो बोले आपको क्या लेना देना है, मैं तो प्रधान हूँ, जो मेरी मर्जी होगी मैं करूँगा, आप कौन होते हैं? और जो कि हम ही, हमारी ही वोट से हम ही लोग इसको वोट देकर के जिताए हैं, और आज हमारी ही बात नहीं सुनी जा रही है, आखिरकार क्यों? और फिर अगर ये नहीं सुन रहा तो अधिकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री।